हे गाइस, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम जो है अपनी चैनल के ऊपर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं तो ब्लू टिक के लिए कैसे अप्लाई करें। हालांकि ये सब जो प्रोसेस है कुछ यूट्यूबर्स को पता ही होगा, लेकिन अभी अभी मैंने जो फेस किया, क्योंकि मेरी एक चैनल थी रिसेंटली वो जो है 100K क्रॉस कर गई, तो मैंने वहां पर रिवॉर्ड बटन के लिए कुछ अप्लाई किया था और वहां पर उन लोगों ने मुझे ये बताया कि आपको जो है सिर्फ यहां पर क्रिएटर अवार्ड ही मिलेगा, अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो करंटली हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने ज्यादा कुछ जानकारी लेने के लिए एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे बात की है ना यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि अब जो हमारी सिस्टम है थोड़ा चेंज हो चुका है और उसमें क्या है कि आपको जो है खुद ही एक फॉर्म फिलअप करना होता है और वो फॉर्म आपको सबमिट करना होता है। कुछ सिंपल सा ही फॉर्म है, कुछ ज्यादा डिटेल आपको देनी नहीं है, तो हम सिर्फ आपकी चैनल रिव्यू करेंगे और आपको जो है ब्लू टिक प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ केस चला, तो मैंने सोचा कि अभी जो न्यू यूट्यूबर्स आएंगे 2020 में, ठीक है, या फिर उसके बाद, उन लोगों के लिए ये वीडियो शायद हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ब्लू टिक के लिए अप्लाई करना है। और दोस्तों, इससे पहले कुछ कंडीशंस है जो कि यूट्यूब ने मुझे बताया था, वो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। वो ये है कि आपका चैनल जेन्यून होना चाहिए, जेन्यून इन द सेंस कि आपने जो क्रिएट किया है कंटेंट वो आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है, ज्यादातर किसी का कॉपी किया हो ऐसा कंटेंट नहीं चलेगा। दूसरी बात कि जो पॉलिसी होती है यूट्यूब की कि ऐसे ऐसे वीडियोस मोनेटाइज हो सकते हैं वो सब है ना, तो उन सबको मीट करते होने चाहिए। फिर आपके चैनल के ऊपर जो है कोई स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई क्लेम नहीं होना चाहिए, आपकी चैनल एकदम फ्रेश होना चाहिए। और अगर आपके चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक फिलहाल है तो वेट कीजिए उस स्ट्राइक को जो है एक्सपायर होने के लिए, ठीक है, जब वो स्ट्राइक एक्सपायर हो जाएगा तब ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फिर वीडियो जो है आपका जेन्युइन होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे वीडियोस होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो अपनी चैनल हैंडल करते हो तो आपको जो है पक्का ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैज मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। तो ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपका चैनल जो है वो ओपन कर लीजिए और ये लिंक सेव करके रखिए। यहाँ पर आपका चैनल नेम है, ठीक है, इस चैनल नेम में आपका चैनल का जो नेम होता है वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है या फिर मैन्युअली टाइप कर देना है। उसके बाद है चैनल आईडी, चैनल आईडी में आपको जो है चैनल आईडी अपना कहाँ से ढूंढे, तो यहाँ पर हियर लिखा है वहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक टैब ओपन कर लीजिए, तो वहां पर आपको आपका चैनल आईडी मिल जाएगा। चैनल आईडी में यहाँ पर यूजर आईडी भी है, चैनल आईडी भी है, तो गलती से आप यूजर आईडी सिलेक्ट ना करें, आपको चैनल आईडी ये वाला करना है कॉपी। उसके बाद यहाँ पर कर देना है पेस्ट और सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल्स में दिया गया है, लेकिन ये पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको जो है सबमिट कर देना है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट करने पर मुझे एक मैसेज मिला है, वहाँ पर लिखा है कि थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द चैनल वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, तो ये करना है आपको। और उसके बाद आपको जो है एक ईमेल भी आ जाएगा कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा उस तरीके से। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आज का एम करते हैं 30 लाइक्स का, 30 लाइक्स आप कर दीजिएगा, मुझे पता है आप लाइक कर देते हो वीडियो को, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो आपको ऐसे ही यूट्यूब के रिलेटेड मजेदार टिप्स देखने को मिलेगी।